जिस देश में क्रिकेट एक रिलीजन माना जाता है, उसी रिलीजन की आड़ में बेटिंग का एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस भी चलता है, जिसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन जैसे बड़े बड़े डॉन शामिल हैं। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग और डेडिकेटेड होता है कि सिर्फ एक फोन कॉल से करोड़ों की बेटिंग हो जाती है। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे बेटिंग को ऑनलाइन ले जाया जा रहा है, और अंत में मैच फिक्सिंग की एक ऐसी स्टोरी जिसका खुलासा जब इंडियन एक्सप्रेस ने किया तो मानो सबके होश उड़ गए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई वॉल्ड, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। Voices of these cricketers, bookies, fixers, and also allegedly underworld don Dawood Ibrahim. साल 1867 में गैम्बलिंग को रोकने के लिए गैम्बलिंग प्रोविजन एक्ट लाया गया, लेकिन यहाँ पर गैम्बलिंग रुकने की बजाय उल्टा तेजी से बढ़ने लगी। इंडिया में कुछ स्टेट्स है जैसे कि सिक्किम और गोवा, जहाँ पर गैम्बलिंग कुछ गेम्स में अलाउड है, जैसे कि कैसीनो गेम्स में, लेकिन वहाँ पर भी क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स पर बेटिंग अलाउड नहीं है। इंडिया में जो टोटल बेटिंग होती है उसमें से 80% बेटिंग सिर्फ क्रिकेट में होती है। यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरह चलता है, यहाँ पर एक बुकी होता है जो आपको ऑड्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर इंडिया के ऑड्स है 3-1, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 3,00,000 रुपये मिल जाएंगे अगर इंडिया जीतती है, तो यानी 2,00,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच में इंडिया के जो ऑड्स है वो 1.5-1 है, तो उसका मतलब ये है कि अगर इंडिया जीतता है तो 1,00,000 रुपये अगर आप डालते हो उसमें तो आपको 1,50,000 रुपये मिल जाएंगे, यानी 50,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। वहीं अगर पाकिस्तान के ऑड्स चल रहे हैं 2.5-1, तो उसका मतलब है कि 1,00,000 रुपये अगर आप डालते हो और पाकिस्तान जीतता है तो आपको 2,50,000 रुपये मिल जाएंगे, यानी 1,50,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो ऑड्स होते हैं ये हर सेकंड हर मिनट बदलते रहते हैं, बिल्कुल स्टॉक प्राइसेस की तरह। और यहाँ पर जो बुकीज होते हैं उनके पास बहुत सारे टेलीफोन्स होते हैं, और उन फोन्स के जरिए वो जो लोग बेटिंग करते हैं उन्हें टाइम टू टाइम ऑड्स बताते हैं और उनके ऑड्स नोट डाउन करते हैं। वही जो लोग यहाँ पर बेटिंग करते हैं उन्हें पंटर्स कहते हैं, और बेटिंग करने वाले लोग जो कुछ बीट्स दे रहे हैं उसे वो नोट डाउन करते हैं। जो भी ऑड्स बुकी डिसाइड करता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, और उसके लिए स्टैटिस्टिशियंस और डेटा एनालिस्ट को हायर किया जाता है। अब इन स्टैटिस्टिशियंस और डेटा एनालिस्ट का ये काम होता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालना, और उसकी मदद से ये लोग ऑड्स इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जिससे बुकीज को कभी भी नुकसान नहीं होता है, वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। अब अगर कोई फ़ोन पर बोलता है कि 1 करोड़ की मेरी बेटिंग लिख लो और वो हार जाता है और बाद में फ़ोन में पिक नहीं करता है, तो फिर पैसा कैसे वसूल किया जाएगा? और उसी के लिए दाऊद की गैंग और अलग अलग गैंग्स यहाँ पर काम में आती है, और ये गैंग्स लोगों से पैसा वसूल करती है जो उन्होंने बेटिंग में हारा है। क्रिकेट बेटिंग में दाऊद गैंग यानी डी कंपनी का बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम पूरा क्रिकेट बेटिंग का बिजनेस मैनेज करता है, और इन्होंने अलग अलग सिटीज जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर अपने अपने बुकीज सेट करके रखे हैं, और ये बुकीज फ़ोन कॉल के जरिए सारा बिजनेस चलाते हैं, और अल्टीमेटली हवाला नेटवर्क के जरिए ये पैसा दाऊद कंपनी के पास यानी डी कंपनी के पास चला जाता है। अगर आपको हवाला नेटवर्क क्या होता है ये पता नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं बेटिंग के ऑनलाइन सेगमेंट के बारे में। इंटरनेट के इस दौर में ऑनलाइन बेटिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में जितनी भी बेटिंग चल रही है उसमें से 50% से ज़्यादा बेटिंग सिर्फ ऑनलाइन सेगमेंट में हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डेनिस कोट्स यूके के रिचेस्ट वीमेन हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका बिजनेस किस सेगमेंट में होगा? डेनिस कोट्स, जिनकी नेटवर्थ फिलहाल 45,000 करोड़ है और सैलरी 4,500 करोड़ है, वो CEO है bet365 प्लेटफॉर्म की, जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बेटिंग प्लेटफॉर्म है, जिस वेबसाइट पर हर साल 5,00,000 करोड़ से ज़्यादा की बेटिंग होती है। जब आप ऑनलाइन बेटिंग करते तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, पहला है बैक और दूसरा है लेग। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच में इंडिया के बैक के ऑड से 1.5 और ले के ऑड से 1.6, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1,00,000 रुपये बैक के ऑड्स पर लगाते हो और इंडिया सही में जीतती है तो आपके 1,00,000 रुपये 1,50,000 रुपये बन जाएंगे, यानी 50,000 का आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि इंडिया हार सकता है और इंडिया के ले के ऑड से 1.6 और इंडिया सही में हार जाता है तो आपके 1,00,000 रुपये 1.6 लाख रुपीज़ हो जाएंगे, यानी 60,000 का आपको प्रॉफिट होगा। अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में बात करें तो बैक का मतलब होता है बाय और ले का मतलब होता है शॉर्ट सेल। बेटिंग एक बहुत रिस्की और जीरो सम गेम है, जहां पर एक पंटर का नुकसान ही दूसरे पंटर का फायदा है। बेटिंग में लॉन्ग टर्म में पंटर्स को लॉस होता है, वही जो बुकीज हैं या फिर ऑर्गेनाइजर्स हैं इन बिजनेस के, उनको हमेशा प्रॉफिट ही होता है।
एक और रिस्की एसेट क्लास है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, जो कि काफ़ी वोलेटाइल भी है। यहाँ पर आप वॉल्ट के जरिए SIP शुरू कर सकते हो और अपनी रिस्क काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। बिटकॉइन फिलहाल ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन में अब इन्वेस्ट कैसे करें, तो यहाँ पर वॉल्ट आपको बिटकॉइन में SIP की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसे बिटकॉइन की प्राइस हर महीने एवरेज होती चली जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको बाइंग द डीप का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पर जब भी बिटकॉइन क्रैश हो जाते हैं तब आप उन्हें आसानी से खरीद सकते हो। वॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट फीचर है बाय द डीप। वॉल्ट की मदद से आप ना कि सिर्फ बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हो, साथ ही आप वॉल्ट के पास अपने बिटकॉइंस फिक्स डिपॉजिट करके 6.7% का इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। फॉर एवरीथिंग क्रिप्टो जस्ट वॉल्ट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वॉल्ट को जरूर इंस्टॉल करें और इन सारी फैसिलिटीज का फायदा लें। बढ़ती हुई बेटिंग के इस दौर में मैच फिक्सिंग का प्रमाण भी बहुत बढ़ गया है। अगर किसी टीम के ऑड्स चल रहे हैं 10:1, जहां पर 1 करोड़ डालने पर उस पर्सन को मिलेंगे 10 करोड़, तो ऐसे में वो पंटर्स कई बार प्लेयर को फिक्स करते हैं कुछ करोड़ देकर, क्योंकि अगर इस केस में अगर 1 या 2 करोड़ लेकर प्लेयर्स को फिक्स करके वो मैच जितवा देते हैं तो उन्हें टोटल प्रॉफिट होगा 9 करोड़ का, जिसमें से 1-2 करोड़ अगर प्लेयर्स को भी चले गए तो 7-8 करोड़ का नेट प्रॉफिट उनके पास बचा रहेगा। इसी तरीके का इंसिडेंट रिसेंटली कोविड पीरियड में हुआ है। कोविड लॉकडाउन के दौरान युवा प्रीमियर लीग लॉन्च की गई श्रीलंका में, जिसका काफ़ी जोरों शोरों में प्रमोशन भी हुआ, जहां पर बताया गया कि इस लीग में तिलक रत्न दिलशान, परवेज महारुख, अजंता मेंडिस जैसे प्लेयर्स खेलने वाले हैं। इस लीग में सारे प्लेयर्स मास्क पहनकर खेल रहे थे और कई सारी चीज़ें डाउटफुल लग रही थी। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और फिर इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चला कि ये लीग श्रीलंका में नहीं चल रही है, ये लीग पंजाब के ही एक छोटे से विलेज में चल रही है। और आपको बता दूं कि कोई भी श्रीलंका का प्लेयर इस लीग में इन्वॉल्व नहीं था। इस लीग का कई सारी वेबसाइट्स पर बहुत अच्छे से PR हुआ था। कई सारी वेबसाइट जैसे स्पोर्ट्स क्रीड़ा पर इसका लाइव स्कोर दिखाया जा रहा था, YouTube और 1-2 वेबसाइट्स पर लाइव मैचेस भी दिखाई जा रही थी। इसके चलते इन मैचेस में बहुत ज़्यादा बेटिंग होने लगी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ लीगें फिक्स नहीं थी, बल्कि इस लीग के अंडर जितनी भी मैचेस हुई वो सारी मैचेस फिक्स थी। यूरोप में कई सारी कंट्रीज में बेटिंग लीगल है और बेटिंग के जरिए वहाँ की गवर्नमेंट्स काफ़ी सारा रेवेन्यू कमा रही है। इंडिया में अगर आगे चलकर बेटिंग लीगल हो जाता है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही मैच फिक्सिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और हाँ, वॉल्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए,